15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने हाल ही में मुझे एक चुनौती दी। उन्होंने कहा अगर मैं संसद में 15 मिनट बोलूंगा तो मोदी जी बैठ भी नहीं पाएंगे। ये उन्होंने मुझे चुनौती दी है। वे 15 मिनट बोलेंगे ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के श्रीमान अध्यक्ष जी, आपने सही फरमाया है, हम आपके सामने नहीं बैठ सकते। आप तो नामदार है, नामदार, और हम कामदारों की क्या हैसियत कि हम आपके सामने बैठ पाए। मोदी जी को छोड़ो नामदार, इस कामदार की क्या, ठीक है हम तो है कामदार है, लेकिन एक काम करो, आप इस चुनाव अभियान के दरमियान कर्नाटक में आपको जो भाषा पसंद हो उस भाषा में, हिंदी बोल सके तो हिंदी, अंग्रेजी बोल सके तो अंग्रेजी, आपकी माताजी की मातृभाषा बोल सके तो मातृभाषा, आप 15 मिनट हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की आपकी सरकार की अचीवमेंट्स, सिद्धियां 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दीजिए। और एक छोटा काम साथ साथ कर देना, उस 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। अगर इतना कर लोगे तो कर्नाटक की जनता तय कर लेगी आपकी बात में दम कितना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।